लीमा का सलूक बंद करो बंद करो बंद करो डेंटल डॉक्टर्स के साथ सोते लीमा का सलूक बंद करो बंद करो बंद करो डेंटल डॉक्टर्स के साथ सोते लीमा का सलूक बंद करो बंद करो बंद करो डेंटल डॉक्टर के साथ सोते लीमा का सलूक बंद करो बंद करो बंद करो डेंटल डॉक्टर के साथ सोते लीमा का सलूक बंद करो बंद करो बंद करो वी वोट जस्टिस 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 डेंटल डॉक्टर के साथ सोते लीमा का सलूक बंद करो बंद करो बंद करो डेंटल डॉक्टर के साथ सोते लीमा का सलूक बंद करो बंद करो बंद करो डेंटल डॉक्टर के साथ सोते लीमा का सलूक बंद करो बंद करो बंद करो वी वोट जस्टिस 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 मेरा नाम रतीक खान है और मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि डेंटल डॉक्टर पिछले काफी दिनों से यहाँ पे इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक्स पे बैठे हैं। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से हम उन्हें अपनी सपोर्ट पार्टी की तरफ से और पार्टी की यूथ विंग की तरफ से अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं। और साथ साथ जिस तरीके से डेंटल डॉक्टर्स के साथ सौतेली माँ का सलूक किया गया, एक बच्चा पैदा होता है वो भी 13 साल में जवान हो जाता है, लेकिन इस सरकार ने जो जम्मू कश्मीर में सरकारें रही आज तक 13 साल से उन्होंने इनके लिए कोई भी पोस्ट क्रिएट नहीं की। हमारी लड़ाई सरकार से है कि इनके लिए डेंटल डॉक्टर्स के लिए जल्द से जल्द पोस्टें निकाली जाएं। दूसरी बात है कि एक जब डॉक्टर 2008 में एडमिशन लेता है और उसको उसकी डिग्री कंप्लीट किए हुए आज 13 साल हो गए, जब एक डॉक्टर ने 13 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आपने एक भी बार उसको पीएससी फेस करने का मौका नहीं दिया, एसएसबी के इंटरव्यू फेस करने का मौका नहीं दिया। अगर इस तरीके के हालात रहेंगे तो यह डॉक्टर्स कहाँ जाएंगे? आप जानते हैं कि कोरोना की महामारी में 10,000 पेशेंट्स पे एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, लेकिन आज यहाँ पे 40,000-50,000 लोगों के ऊपर भी एक डॉक्टर नहीं है, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। हम लोग इसमें कहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी पोस्टें निकाली जाए और जो भी इनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। इनकी मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की यूथ विंग आज इनको सपोर्ट एक्सटेंड करती है और इनकी मांग जो है वो हर जगह रखी जाएगी। हम एलजी सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए।